महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडव के बीच ही नहीं थी, बल्कि अन्याय और न्याय के इस युद्ध में देश विदेश के कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। कुछ राजा पांडव के समर्थन में लड़े थे तो कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए इस युद्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं महाभारत के युद्ध को युग प्रवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध श्री कृष्ण ने कौरव या पांडव किसी भी तरफ से भी युद्ध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पांडवों के ही साथ थे। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। इस कारण श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो भगवान राम का वंशज का था, लेकिन युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। आइए जानते हैं कि कौन था वह योद्धा। बृहदुल राजा अयोध्या के राजा थे, जिन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है। वह इक्ष्वाक राजवंश के विश्रुतवंता के पुत्र के रूप में कौशल राज के अंतिम शासक थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बृहदुल ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। सभी के लिए यह बात बहुत हैरानी भरी थी कि आखिर बृहदुल ने भगवान राम का वंशज होने के बाद भी कौरवों का साथ क्यों दिया था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहदुल इक्ष्वाक वंशज भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। बृहदुल राजा राम के बाद 15वें राजा थे। बृहदुल को इक्ष्वाक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। राम और बृहदुल के बीच में 31-32 पीढ़ियों का अंतर था। माना जाता है कि बृहदुल एक कुशल शासक ही नहीं बल्कि वीर योद्धा भी थे। बृहदुल राजा को जब पता चला कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया है, तो धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के एक दूत को कौशल राज्य में भेजकर राजा बृहदुल से कौरवों की सहायता करने की बात कही। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार इस दूत ने राजा बृहदुल को स्मरण कराया कि उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भीम की वजह से उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। इससे कई राज्यों में उनका उपहास भी हुआ था। ये सब बातें सुनकर राजा बृहदुल को भीम से जुड़ी पूरी घटना याद आ गई। माना जाता है कि राजा बृहदुल कौशल राज्य के शासक थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा भी राजा बृहदुल ने आसपास के कई नगरों को जीत लिया था। एक दिन राजसूर यज्ञ के दौरान भीम ने बृहदुल को वशीभूत करके राजा बृहदुल के एक शत्रु के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस हार से राजा बृहदुल का बहुत अपमान हुआ और कई राजाओं ने छुपे तौर पर उनका मजाक उड़ाया। इस घटना की वजह से राजा बृहदुल के मन में भीम सहित सभी पांडवों को लेकर एक प्रकार के क्रोध ने जन्म लिया और उन्होंने धृतराष्ट्र के संदेश के बाद कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो अभिमन्यु, बृहदुल, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अस्तुत्थामा, कृतवर्मा सहित कई कौरव योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अभिमन्यु और राजा बृहदुल के बीच युद्ध होता है, जिसमें अभिमन्यु के प्राण घातक तीर लगने से राजा बृहदुल की मृत्यु हो जाती है।